मैंने बहुत लंबा चौड़ा आपका इंटरव्यू दिया, बट क्या करें, आपके रिकॉर्ड इतने लंबे लंबे हैं जी, जी. तो मुझे लगता है जो प्लेयर आपके रिकॉर्ड देखते हैं तो लगेगा कि यार इतना लंबा करियर, इतना लंबे रन, इतने बड़े बड़े स्कोर, मतलब टेम्परामेंट प्लेयर का बताता है कि कितना बड़ा है. जो मुझे सरप्राइज करती है कि जितना टैलेंट और पोटेंशियल उनके पास है, उसके बावजूद इतनी ट्रॉफी जितना उन्हें जितनी उनको जीतना चाहिए वो जीतती नहीं है, तो पंजाब प्रोबेबली उसमें एक है. तो आई फील आजकल के प्लेयर्स की सबसे बड़ी चैलेंज है कि वो तीनों फॉर्मेट में यू नो फिट इन करना. एंड आई एम श्योर हर खिलाड़ी विराट कोहली जैसा नहीं होता है कि तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल ही एट ईज खेल जाए, या रोहित शर्मा जैसा हो. बट आई फील कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी, जो हो सकता है आप T20 अच्छा खेलते होंगे, कोई प्लेयर होगा जो 4-day अच्छा खेलता होगा, बट आई फील कि वो अडेप्टेबिलिटी लाना मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे फॉर्मेट निगलेक्ट नहीं करने की, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे फॉर्मेट में मेहनत करके उसको अच्छा खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि इवेंचुअली आपका जो 4-day क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, वो आपकी बेस बनाता है. वो आपको जो यू नो टफ मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट वो शॉर्टकट है, जहाँ पे आपको सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं, वो 4 ओवर भी लगातार नहीं डालने होते. एक बैट्समैन को एट द मोस्ट अगर वो ओपनर भी है तो सिर्फ 50 बॉल या 60 बॉल खेलने मिलते हैं. बट 4-day क्रिकेट में ऐसा नहीं है, यू नो फील्ड की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉलर्स को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बैटर्स को अगर रन बनाना है तो लंबे समय तक खेलना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको नींव जो होती है, आपकी जो बेस है, वो 4-day क्रिकेट आपको देता है. 22 गज की पिच पर खेलना और खिलाना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन अब निगाहें प्लेयर पर तो होती ही हैं, लेकिन कोचेस पर भी होती हैं. जी हाँ, अहम रोल होता है टीम को मेंटोर करना, चैंपियन बनाना. मैं इस समय मोहाली के PCS स्टेडियम में मौजूद हूं और रणजी सीजन का आगाज अभी हुआ नहीं है, तैयारी चल रही है, और पंजाब ने इस बार एक ऐसे खिलाड़ी को पंजाब टीम की कमान सौंपी है, कोच बनाया है, जिसके नाम पर रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड है. जी हाँ, भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का बेताज बादशाह उनके कहा जाता है. सबसे ज्यादा रणजी मैचेस की बात की जाए तो उनके नाम पर है. भारतीय टीम के पूर्व ओपनर जिनके नाम पर डबल सेंचुरीज हैं, और उनका रिकॉर्ड तो ना डोमेस्टिक में शायद ही पॉसिबल होगा. 19,000 के करीब फर्स्ट क्लास रन, 150 के करीब रणजी मैचेस, कोचिंग का एक्सपीरियंस. और पंजाब की अगर बात करें तो 1992-93 में पंजाब रणजी टीम चैंपियन बनी थी, उसके बाद आज तक नहीं बन पाई. अब निगाहें हैं वसीम जाफर पर. बहुत बहुत स्वागत है वसीम भाई. बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने बहुत लंबा चौड़ा आपका इंटरव्यू दिया, बट क्या करें, आपके रिकॉर्ड इतने लंबे लंबे हैं जी, जी. तो मुझे लगता है जो प्लेयर आपके रिकॉर्ड देखते हैं तो लगेगा कि यार इतना लंबा करियर, इतना लंबे रन, इतने बड़े बड़े स्कोर, मतलब टेम्परामेंट प्लेयर का बताता है कि कितना बड़ा है. अब आप कोच के रोल में हैं, कोचिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत है, पंजाब रणजी टीम, आपके निगाह में स्टैट्स आते हैं कि 92-93 के बाद ये टीम चैंपियन नहीं बन पाई? मैं बहुत सरप्राइज हूँ टू बी ऑनेस्ट. इंडिया में ऐसी 3-4 टीमें हैं जो मुझे सरप्राइज करती है कि जितना टैलेंट और पोटेंशियल उनके पास है, उसके बावजूद इतनी ट्रॉफी जितना उन्हें जितनी उनको जीतना चाहिए वो जीतती नहीं है, तो पंजाब प्रोबेबली उसमें एक है. लास्ट सीजन ऑब्वियसली उन्होंने 32 साल के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि तकरीबन 11 से 11 प्लेयर जो IPL के अंदर खेलते हैं सिलेक्ट हुए हैं, तो आई फील यू नो वो एटलीस्ट वो बैरियर तो तोड़ा है उन्होंने. बट रणजी ट्रॉफी में लास्ट 15 साल से पंजाब ने रणजी ट्रॉफी ना फाइनल खेला है ना जीती है, तो ये मुझे थोड़ा सरप्राइज करता है. और होपफुली यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का मैं थैंकफुल हूँ, दिलशेर खन्ना जी का, हरभजन सिंह का, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. मैं बहुत एक्चुअली एक्साइटेड हूँ, चाह रहा था मुझे 2-3 और अपॉर्चुनिटी थी कोचिंग करने की, बट मैं चाहता था कि एक अच्छी टीम के साथ जुड़ूं जो जिसके पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, काफ़ी अच्छे लड़के हैं, जो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े अंडर अचीवर हैं इन सम सेंस. तो होपफुली आई कैन ऐड वैल्यू और होपफुली यू नो इस टीम को मैं अच्छा खिला सकूं. वसीम भाई, आपने तो हर टीम के अगेंस्ट रन बनाए हैं, और कहे कि अगर भारत की क्रिकेट को जानना हो तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि हर ग्राउंड पे. आपने टैलेंट की बात की, किंग्स के आप कोच रहे हैं, कोचिंग की अगर आपकी बात की जाए, जब आपने रिटायरमेंट अनाउंस किया, आप चाहे उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, अब आप पंजाब की बार हैं, और इन टीमों को लेकर आपको क्या लगता है कि पंजाब में टैलेंट की कमी नहीं है? तो जब बात हुई, आपको कहा गया कि आप कोचिंग कीजिए,
आपके जहन में क्या आया? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि थोड़ा एक्साइटमेंट तो था कि मैं एक अच्छी टीम के साथ जुड़ना चाहता था, जो ऑब्वियसली यू नो नॉकआउट्स पहुंची हुई है, जानती है खेलना. जैसे मैंने कहा, सारे प्लेयर्स तकरीबन आईपीएल के अंदर हैं, तो जब ऐसे प्लेयर हों तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा काम आसान हो जाता है जब प्लेयर्स अच्छे हों. बट हाँ, उनको दिशा दिखाना बहुत जरूरी है. और जैसे मैंने कहा कि पिछले कई सालों से ये टीम जीती नहीं है. अगर मैं वनडे की बात करूं या फिर रणजी ट्रॉफी की बात करूं, तो उस तरह से मैं बहुत एक्साइटेड था कि एक अच्छी टीम के साथ मुझे मौका मिला है. एक कल्चर है, बड़े अच्छे प्लेयर है, शुभमन ऑब्वियसली वन ऑफ देम. शायद हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो सीजन में, क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं. हर्षदीप में भी शायद अवेलेबल हो, बट उसके अलावा भी बहुत यू नो कमाल के प्लेयर हैं. तो एक्साइटमेंट वॉज द फर्स्ट थिंग, और एक चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इस टीम को थोड़ी दिशा दिखाना. सबसे पहला ऑब्वियसली जो हर्डल है वो नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचना तीनों फॉर्मेट में. फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी है. बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो चैलेंज इस टीम को अपने पोटेंशियल पे खिलाना, जो ये पोटेंशियल टीम रखती है. वसीम भाई, हर एक कोच का, हर एक खिलाड़ी का अपना एक स्टाइल होता है कोचिंग का. और आपने देखा कि टैलेंट तो बहुत है, सब कुछ है. वनडे सैयद मुश्ताक जीते बहुत सालों बाद, एक अच्छी खबर जरूर है. लेकिन वो जो कहते हैं ना कि चार दिन के क्रिकेट, वो क्रिकेट में जब तक तमगा ना हो. मुंबई का इतिहास सबको पता है कि कितनी बार रणजी जीते हैं. आपको क्या लगता है कि वसीम जाफर का स्टाइल क्या रहने वाला है, या किस तरह से इस टीम को आप करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक बंच लेना होता है, उसमें से हमें एक बेस्ट देना होता है. आई थिंक इस टीम के पास वो यू नो ब्लेंड ऑफ यूथ और एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है. प्रभसिमरन की हम बात करें, अभिषेक शर्मा कई सालों से खेल रहे, सिद्धार्थ कौल है, कुछ नए यंग लड़के भी हैं. यू नो अगर मैं बात करूं निहाल वडेरा, नमन धीर जो अच्छी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे, सनवीर सिंह, तो इस टीम के पास जैसे मैंने कहा कि वो काबिलियत है. लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं वो अडेप्टेबिलिटी में शायद थोड़ा सा यू नो कमी रह जाती है कि तीन फॉर्मेट को किस तरह से वो अडेप्ट करे. मुझे ऐसा लगता है कि वो एक थोड़ा चैलेंज होगा मेरे लिए कि उनको वो अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर ले आए. फोर डे फॉर्मेट थोड़ा सा पेशेंस का खेल है, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो. और जैसे मैंने कहा कि ये सारे प्लेयर्स आईपीएल में बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो वाइट बॉल क्रिकेट कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है. बट इस फॉर्मेट में मुझे ऐसा लगता है कि वो अडेप्टेबिलिटी जितना जल्दी ये ले आए, और वो मेरे लिए एक चैलेंज होगा. तो अब तो हमारा जिस तरह से कैंप चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फर्क तो मुझे नजर आ रहा है जितना मैं बात कर रहा हूँ उनसे. एंड होपफुली वो चेंज मुझे थोड़ा सा ग्राउंड पे भी नजर आए, मैचेस में नजर आए. क्योंकि काबिलियत की कभी नहीं, अगर वो अडेप्ट कर जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम यू नो पहुंच सकती है जहां पे इनको पहुंचना चाहिए. हरभजन सिंह एडवाइजर भी हैं पीसीए के, बहुत बड़ा नाम है, दिग्गज खिलाड़ी हैं, आप साथ भी खेले हैं. एक कोच के लिए फ्री हैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी टीम बना रहे हो, आपको पता है कि इस प्लेयर से मैं क्या बेस्ट निकलवा सकता हूं. और पीसीए में ये चीज मानी जाती है कि ठीक है, जो आपको टीम दे दी आप कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आपको लगता है एज ए कोचिंग, ये होनी चाहिए हर एसोसिएशन में? आई थिंक सो. आई थिंक जो कोच का विजन है वो कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए ऑफिशियल्स के साथ. सेक्रेटरी हो गए, जैसे आपने हरभजन सिंह का नाम लिया, तो ये यूरोप के एसोसिएशन आपसे क्या चाहती है, उनका क्या विजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. और पंजाब ऑब्वियसली वन ऑफ दोज एसोसिएशन है जो ट्रॉफी जीतना चाहती है, जो यू नो वन ऑफ द टॉप टीम्स बनना चाहती है यू नो देश के अंदर. तो ये विजन फर्स्ट ऑफ ऑल होना बहुत जरूरी है. और उसी वजह से ऑब्वियसली उन्होंने मुझे लेकर आया. चाहते तो ऑब्वियसली कोई एक्स वाई जेड या फिर कोई लोकल कोच रख लेते, तो ये दर्शाता है कि वो चाहते हैं अच्छा करना, जीतना चाहते हैं. यू नो बड़ा स्टेडियम अब बनाया हुआ है, जिस तरह से यू नो चीजों पर वो पैसे खर्च कर रहे हैं, तो शेर पंजाब जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये इट डज शो कि यू नो उनका विजन है. तो यू नो विच इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके पास अगर विजन हो तो आपको वो छोटे छोटे स्टेप यू नो रखने होते हैं. एंड आई थिंक पंजाब इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. मैं विदर्भा से भी खेला हूँ, उनके पास भी वो रेसिडेंशियल एकेडमी थी जो 2009 में उन्होंने जिसकी स्थापना की थी. बट इवेंचुअली उनको वो 10 साल के बाद वो ट्रॉफी मिली, तो वो कहीं ना कहीं वो पेशेंस की जरूरत होती है. बट आई फील दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी टीम होना जरूरी है, जो आई फील इनके पास है. खाली ये है कि वो अडेप्टेबिलिटी इन प्लेयर्स के पास आ जाए. क्योंकि मुझे बात करके और उनके साथ टाइम स्पेंड करके ऐसे लगता है कि दे आर हंग्री टू विन, दे आर हंग्री टू डू वेल, विच इज अ गुड थिंग.
वसीम भाई, आपने जिस तरह से वो दौर भी देखा है इंडियन क्रिकेट का और आज आप ये दौर भी देख रहे हैं, अब है T20 का दौर, जब आप एक टीम और एक प्लेयर्स को देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जब स्टोरियां करते थे जब IPL शुरू हुआ, एक दौर था कि हम चार दिन बैठे हुए मैच देख रहे हैं और प्लेयर की अडॉप्शन, प्लेयर का स्टेमिना, प्लेयर की मेंटल फिटनेस, वो टेस्ट होती थी, इसलिए टेस्ट कहा गया। जी, जी। आपको क्या लगता है कि जब इस तरह का दौर है जहां T20 में है, चेतेश्वर पुजारा का मैं जिक्र करूंगा, खिलाड़ी चार दिन के लिए है तो वो T20 में नहीं है, क्या प्लेयर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी क्रिकेट उनको सूट करती है, रेड बॉल से व्हाइट बॉल में आना, व्हाइट से रेड में आना? आई थिंक आजकल के, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अभी 2019-20 में ही क्रिकेट छोड़ी है, उसके बाद मैं कोचिंग में आया हूं, तो मैं बहुत इन टच हूं आजकल के खिलाड़ियों के साथ में, तो आई फील आजकल के प्लेयर्स की सबसे बड़ी चैलेंज है कि वो तीनों फॉर्मेट में यू नो फिट इन करना। एंड आई एम श्योर हर खिलाड़ी विराट कोहली जैसा नहीं होता है कि तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल ही एट ईज खेल जाए, या रोहित शर्मा जैसा हो, बट आई फील कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी, कि हो सकता है आप यू नो T20 अच्छा खेलते होंगे, कोई प्लेयर होगा जो 4 डे अच्छा खेलता होगा, बट आई फील कि वो अडेप्टिबिलिटी लाना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है। आई एम श्योर कोई ना कोई फॉर्मेट में आपको थोड़ा ज्यादा वर्क करना होगा, विच इज अंडरस्टैंडेबल, बट एटलीस्ट वो एटीट्यूड होना एक प्लेयर का जरूरी है कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, तीनों फॉर्मेट में अच्छा करना चाहता हूँ, ना कि कोई फॉर्मेट को मैं अवॉइड करूँ और सिर्फ T20 को अहमियत दूँ। ठीक है, हमारे वक्त में रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, आज मुझे लगता है कि वो T20 वो इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास वो IPL का प्लेटफॉर्म है, और क्यों ना हो, क्योंकि वहां पर पैसा है, आपको शोहरत है, आपकी फ्यूचर की स्टेबिलिटी है वहां पर, और आपको बहुत यू नो सारी दुनिया से लोग देखते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं देखते, तो अगर प्लेयर उस तरह से सोचता है, अगर उस फॉर्मेट को इम्पोर्टेंस देता है, तो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि हर चीज ऑब्वियसली उसके अंदर है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे फॉर्मेट निगलेक्ट नहीं करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे फॉर्मेट में मेहनत करके उसको अच्छा खेलने की जरूरत है, क्योंकि इवेंचुअली आपका जो 4 डे क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, वो आपकी बेस बनाता है, वो आपको जो यू नो टफ मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट वो शॉर्टकट है, जहां पे आपको सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं, वो 4 ओवर भी लगातार नहीं डालने होते, एक बैट्समैन को एट द मोस्ट अगर वो ओपनर भी है तो सिर्फ 50 बॉल या 60 बॉल खेलने मिलते हैं, बट 4 डे क्रिकेट में ऐसा नहीं है, यू नो फील्ड की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉलर्स को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बैटर्स को अगर रन बनाना है तो लंबे समय तक खेलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको नींव जो होती है, आपकी जो बेस है, वो 4 डे क्रिकेट आपको देता है, तो अगर आप उसमें कमजोर हो तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग टूवर्ड्स यू नो गेटिंग बेटर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अप्रोच होना, वो सोच होना बहुत जरूरी है, रादर देन के मुझे 4 डे क्रिकेट खेलना ही नहीं, आई थिंक दैट इज अ बैड एटीट्यूड। वसीम भाई, आपका दौर था कि आप जब इंडियन टीम में आए तो उससे पहले आपके पास एक कितना बड़ा रनों का पहाड़ था, वो एक टेम्परामेंट था, सिलेक्टर बैठ के देखते थे कि यार ये लड़का में क्या टेम्परामेंट है, वो आपकी पारियां वो रिकॉर्ड बुक में है। आज वसीम जाफर इंडियन क्रिकेट में दूसरे वसीम जाफर कौन से हैं जो आपकी नजर में है कि हाँ ये टेम्परामेंट होना चाहिए? देखिए, टेस्ट क्रिकेट चलेगी, बेशक हम 4 की जगह 3 टेस्ट खेलें, बेशक हम साल में 15 टेस्ट खेलें, 10 खेलें, ठीक है, T20 अलग है, सब कुछ है, शौर्य सब कुछ है, बट टेस्ट चलेगा और एक टेस्ट से पहचान भी बनती है, आपको क्या लगता है कि वसीम जाफर इंडियन क्रिकेट में अब वो कौन कौन प्लेयर है आपकी नजर में? आई मीन बहुत सारे हैं, टू बी ऑनेस्ट, यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली पहला नाम नजर आता है, शुभमन गिल ऑब्वियसली मुझे नजर आते हैं क्योंकि युवा खिलाड़ी है, उसके अलावा सरफराज यू नो जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत की, हालांकि वो अब इतने यंग नहीं है, मुशीर खान जिन्होंने कमाल की वो पारी खेली अभी दिलीप ट्रॉफी में, अगर मैं इस टीम में बात करूं तो प्रभ सिमरन मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में रन बनाए हैं, रणजी ट्रॉफी में 200 भी बनाए, दिलीप ट्रॉफी में 150+ स्कोर बनाए, T20 तो हम जानते ही है, निहाल वडेरा एक मुझे बहुत एक्साइटिंग प्लेयर लगते हैं कि उनके पास वो काबिलियत है, यू नो उन्होंने भी रणजी ट्रॉफी में 200 बनाए हैं, तो आई फील के ऐसे काफी खिलाड़ी है, रजत पाटीदार एक और देवव्रत पडिकल है, आई फील एज लॉन्ग एज यू नो वो प्लेयर 4 डे क्रिकेट खेले और उसमें अच्छा करे, T20 क्रिकेट तो मुझे लगता है कि यू नो सारे ही खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, सारे ही खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं और उनके पास वो प्लेटफॉर्म है, बट आई फील एट द सेम टाइम वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देना भी मुझे बहुत लगता है कि जरूरी है, और BCCI ने भी आई फील एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सारे प्लेयर्स को एडवाइस किए कि आप जाके रणजी ट्रॉफी खेले, ये दिलीप ट्रॉफी में भी हम देख रहे हैं कि सारे अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, आई थिंक दैट इज अ वेरी राइट स्टेप, यू नो जो एक मैसेज पहुंचाता है कि आपको
ये 4 डे क्रिकेट, ये डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इवेंचुअली आप अगर वो 5-10 साल आप लगाते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आ रहा था वसीम भाई के, बीसीसीआई ने टाइम टू टाइम ये रियलाइज भी किया है कि किस तरह से अपने टेस्ट बचाना है, किस तरह से अपना डोमेस्टिक फॉर्मेट में स्टार प्लेयर, क्योंकि देखिए आप इंडियन टीम में भी खेल रहे हो, आप क्लब भी खेल रहे हो, आप आईपीएल भी खेल रहे हो, फिटनेस भी रखना है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक शुभमन गिल एक वढेरा के साथ खेल रहा होता तो एक लगता है कि मेरे सामने कैसा प्लेयर खेल रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हो? नहीं, आई थिंक बहुत यू नो अच्छी चीज है, क्योंकि सारे जो मुझे लगता है पंजाब के खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को देखते होंगे कि ये प्लेयर जो आईपीएल में 850-900 रन बना चुका है, टेस्ट क्रिकेट में रन बना रहा है, आज तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, मे बी फ्यूचर कैप्टन हो सकता है इंडियन क्रिकेट का, और अगर वो इस क्रिकेट को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है तो हमको भी ऑब्वियसली उसमें बेटर करना है। एक और नाम मैं शायद भूल गया, वो अभिषेक शर्मा का, अगेन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, जिस तरह की उनकी एबिलिटी हमने लास्ट आईपीएल में देखा कि कमाल की जो बल्लेबाजी की, बट वो थोड़ी सी मुझे लगता है वो अडेप्टेबिलिटी की जरूरत है कि वो 4 डे फॉर्मेट की तरह खेलें। अगर वो पूरा दिन खेलते हैं तो उनके पास वो काबिलियत है कि वो 100 बना सकते हैं रणजी ट्रॉफी में, तो आई जस्ट फील कि वो सक्सेस टेस्ट करने की जरूरत है, कि वो जो मजा आता है पूरा दिन बैटिंग करके 100 बना के, अगर वो एक टेस्ट आ जाएगा आई एम श्योर, तो वो निहाल वडेरा हो, चाहे प्रभ सिमरन हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, इनके पास वो काबिलियत है कि वो ये फॉर्मेट में भी डोमिनेट कर सकते हैं। मैं जल्दी से दो सवाल लेता हूँ वसीम भाई के, आपने भारतीय क्रिकेट को इतने गौर से देखा, जिया है बल्कि अपनी क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट के साथ साथ, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर नो डाउट ब्राइट है, हमारे बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बोर्ड अच्छा कर रहा है, पैसा है प्लेयर्स के पास आ गया है, फ्यूचर के कप्तान अगर मैं कहूं कि T20 में किसको देखते हो वसीम जाफर की सोच से, वनडे में, टेस्ट में, या कप्तान एक हो, एक फॉर्मेट का अलग हो? एक नाम तो लेना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे ऐसे लगता है अगेन जैसे मैंने कहा शुभमन गिल इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज गाइज, ऋषभ पंत मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास भी वो काबिलियत है, वो अथॉरिटी वो दिखाते हैं जब कप्तानी करते हैं, उसके अलावा मैं भी श्रेयस अय्यर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने KKR को लीड किया लास्ट आईपीएल में, ही कुड बी वन ऑफ देम, तो 3-4 नाम है, जसप्रीत बुमराह अगेन इज वन ऑफ देम, सूर्य कुमार यादव अब लीड कर रहे हैं, तो ये 4-5 नाम है, अगेन दैट इज द नॉवेल्टी आई फील जो इंडियन क्रिकेट के पास है, कि इंडिया के पास वो मल्टीपल लोग हैं जो कप्तानी कर सकते हैं, एंड सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो रोहित शर्मा के शूज फिल करना होगा, कि यू नो रोहित शर्मा कमाल के कप्तान है, तो जो भी नया कप्तान आएगा उसके ऊपर वो प्रेशर होगा, बट आई फील इंडिया के पास वो 3-4 नाम हैं जो आई फील वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लास्ट सवाल, पंजाब के चैलेंज के लिए तैयार हैं वसीम भाई, आपने सारी जिंदगी क्रिकेट को दी है और कोचिंग का आपको एक्सपीरियंस है, आपको पंजाबी फूड आ रहा है पसंद, अभी सीजन भी आएगा साग और मक्की की रोटी? नहीं बिल्कुल, मैं तो जब खेलता भी था तो ये पंजाब दिल्ली जो नॉर्थ का जो एरिया है यहाँ के खाने मुझे बहुत पसंद है, और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे अच्छी खातिरदारी हुई है, छोले भटूरे। आपका वेट बढ़ने वाला है? जी बिल्कुल वो एक मेरे लिए चैलेंज रहने वाला है, और पंजाबी जो है वो नोन टू बी अ ग्रेट होस्ट, तो वो मुझे ऑलरेडी पता चल गया है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे ध्यान रखना होगा अपने वेट का, बट आई एंजॉय जनरली यू नो पंजाबी फूड वेरी मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आप आए और जो तगमा रह गया है 92 के बाद वो पूरा, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, जरूर, थैंक यू। तो ये थे वसीम जाफर, और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने वसीम जाफर को कमान दी है, कमाल के क्रिकेटर हैं, बहुत भारी भरकम रिकॉर्ड है, जब मुझे लगता है प्लेयर इनके रिकॉर्ड देख के सोचते भाई कप्तान तो हूं लेकिन कोच को भी मुझे बीट करना है, और वो कंपटीशन होना भी चाहिए, और उम्मीद करते हैं रणजी सीजन बहुत ही पंजाब के लिए अच्छा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 मोहाली।